गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम डाटा एनालिसिस का लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने डाटा एनालिसिस के पाई चार्ट और डाटा टेबल किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे का लाइन ग्राफ और बार ग्राफ करने वाले हैं। ओके, तो आप जल्दी से आ जाइए जिससे हम जल्दी से ये लेक्चर स्टार्ट कर सके। डाटा एनालिसिस चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमारा जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो। CSIR नेट तो कभी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछती ही है डाटा एनालिसिस से। हाय महिमा, गुड आफ्टरनून अनिकेत, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डाटा एनालिसिस, डाटा मतलब होता है कि हमारी एक इन्फॉर्मेशन जो हमें सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट की जाती है। ओके, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एक एनालिसिस जो हम करते हैं कैलकुलेशन के थ्रू या फिर ऑब्जर्व करके, और इन सब के बाद हम एक आंसर को कंक्लूड करते हैं। डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, मतलब आपको एक डाटा को केयरफुली रीड करना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है एंड देन आप आंसर को टिक कर सकते हैं। और काफ़ी क्वेश्चंस डाटा एनालिसिस के ऐसे भी होते हैं कि आप लॉजिक के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें जैसे कहीं पर क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप नॉर्मली थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती है, तो हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेशन को अवॉइड करें। और आज लेक्चर के बाद कॉन्टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप कॉन्टेस्ट सेकंड दे सकते हैं अपना, क्योंकि हम कल कॉन्टेस्ट सेकंड के विनर्स अनाउंस करेंगे और हम डिस्कशन भी कॉन्टेस्ट 2 का करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड सभी के लिए कॉमन होता है, तो अगर कोई भी फ्रेंड आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको भी आप इस लेक्चर के बारे में बता सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं अपना आगे, जैसे हम मैंने बताया था कि डाटा एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी तरीके से पूछे जाते हैं। वो पाई चार्ट के फॉर्म में पूछा जाता है, डाटा टेबल के फॉर्म में पूछा जाता है, और बार ग्राफ के फॉर्म में पूछा जाता है, और लाइन ग्राफ के फॉर्म में पूछा जाता है। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने किया था पाई चार्ट और डाटा टेबल किया था, आज हम करने वाले हैं बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बार CSIR नेट पूछ चुकी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आपको जनरल एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर का लिंक अभी मिल जाएगा। वैसे आप अगर IFS लाइफ साइंस या IFS एप्टीट्यूड पर जाकर देखेंगे तो वहां पर फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है। जनरल एप्टीट्यूड अगर आप CSIR नेट या फिर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है वो गेम चेंजर होता है। अगर आप CSIR नेट के लिए 10 to 12 मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स हैं, अगर 10 to 12 मार्क्स आप ले आते हैं
तो आपके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। कॉन्टेस्ट सेकंड जो होगा वो आज के लेक्चर पे बेसिस होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं लेक्चर्स के बारे में। गुड आफ्टरनून सोनू। हेलो सुनीता। गुड आफ्टरनून अमन। ओके, फिर हम जल्दी से अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप आ जाइए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसे मैंने बोला था कि आज हम जो कराने वाले हैं, आज बार ग्राफ और लाइन ग्राफ डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि बार ग्राफ और लाइन ग्राफ जो हम आज पढ़ेंगे, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ्स। ओके, बार ग्राफ, बार चार्ट्स और बार ग्राफ्स एक ही होता है। हम पहले देखते हैं कि बार चार्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस देखे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के ब्लॉक्स हमें ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो जिस ना इसका डाटा होता है, जैसे ये हमारा 75 है। ठीक है, तो जो हम इसको कंसिडर करेंगे, जैसे कुछ भी पूछा है, 2006 दिया ये और ये 2005 दिया, और हमें इसका ग्रोथ इंक्रीमेंट बताना है। ओके, तो ये जो डाटा होगा ना, आप ये वाला कंसिडर करेंगे, जैसे 75 है, ये 65 है। ओके, तो यही ये बोल रहा है कि अब बार चार्ट पोर्ट्रेज अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये। ओके, वेयर द लेंथ ऑफ द बार्स आर प्रोपोर्शनल टू द डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, जितना भी इसका लेंथ होता है उतना हमारा डाटा होता है। ओके, ये हमारा होता है बार चार्ट और बार ग्राफ। ओके, आप देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं भी करती हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि कैलकुलेशन को अवॉइड करना है हमें। ओके, आप कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। जैसे मैंने बेसिक्स बताए थे, अगर आप उस फॉर्मूले से करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, पर हमें देखना है कि हम कैसे कैलकुलेशन को अवॉइड करें। ओके, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में आपको लेना है कि इसमें बोला है कि जो बेस है वो 1985 को लेना है। ओके, इसको ध्यान देना, आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन काफी इजी है, हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही होगा, ये उसी फॉर्मूला से होगा, पर हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि हम इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए।
जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, मैंने बेसिक्स में बोला था कि एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही है क्वेश्चन, आप यही करना है, बस इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इन्होंने बोला है कि जो परफॉर्मेंस है वो हमें जो कंपेयर करनी है वो 1985 के को बेस लेकर कंपेयर करनी है, ठीक है ना। हमें इसमें 1985 को बेस लेना है, ओके। 1985 का डाटा क्या गिवन है हमें, 67। जो भी हमें और डाटा गिवन है उसको हमें कंपेयर किससे करना है, 1985 से। जैसे और क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जैसे 2006 हुआ उसको कंपेयर करते हैं 2010 से, पर इस क्वेश्चन में हर सभी को जो कंपेयर करना है वो किससे करना है, 85 से, ठीक है। आप इसका आंसर बताइए, प्रीति। ये केमिकल साइंस के लिए भी है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड जो आता है केमिकल साइंस में और मैथमेटिकल साइंस में सेम ही होता है, और लाइफ साइंस और अर्थ साइंस का सेम होता है, पर जो GSIR का पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो आप ये लेक्चर अगर अटेंड करते हैं तो वो सभी के लिए है, ओके। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें जो बोला गया है वो बोला है क्वेश्चन में कि 1985 हमारा बेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इसको कंपेयर करती हूँ, जैसे हमारा इसका फॉर्मूला मेरा क्या था, एक्स अपॉन वाई इंटू 100 था ना, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब आप देखिए कि 1985 है हमें, और हमें कंपेयर, अगर मुझे 1985 का ही निकालना है और मुझे कंपेयर भी 1985 से करना है, तो क्या होगा, एक्स भी मेरा 1985 हो जाएगा और वाई भी मेरा 1985 हो जाएगा, ठीक है। इसका डाटा कितना गिवन है, 67 गिवन है, तो क्या होगा, 67 अपॉन 67 इंटू 100, तो कितना होगा, 100%, ठीक है। अब आप इस ऑप्शन के, इस कैलकुलेशन के थ्रू ऑप्शन को डिस्कार्ड कीजिए, क्या आया, अगर मैं 1985 को 85 से ही कंपेयर करती हूँ, ठीक है ना, तो मेरा कितना परसेंटेज आ रहा है, 100% आ रहा है। तो देखिए आप, 85 हमारा सेकंड पे दिया हुआ है, जो सेकंड वाली परसेंटेज होगी वो हमारी किसकी होगी, 1985 की होगी, और 1985 की मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा कितना परसेंट आया, 100% आया, ओके। तो आप देखिए किस किस ऑप्शन में हमारा सेकंड टर्म जो है वो 100 है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में 67 दिया हुआ है, और हमारा जो परसेंटेज कैलकुलेट करके आया वो कितना आया है, 100%। तो ये कट हो जाएगा, ओके। अब आप इसमें देखें, इसमें भी है तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा आगे, ओके। अब आप देखिए आगे जो 1988 है, और सब डाटा देखें, 1987 डाटा देखें, 1986 और 1984, ये जो तीनों डाटा है इनका डाटा 1985 से ज़्यादा है, ठीक है ना, इनका डाटा ज़्यादा है। तो क्या होगा, हमारा जो इनकी परसेंटेज आएगी, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँगी, अगर मेरा ये 100% आया है और मैं 1986 को इससे 1985 से कंपेयर कर रही हूँ, तो मेरा ऑब्वियस है कि ये वाला डाटा 100 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अब हमारा 1984, 1986 और 1987 का डाटा हमारा 1985 के डाटा से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये पता चला यहाँ पर कि इनकी परसेंटेज 100 से ज़्यादा आएगी। अब आप देख सकते हैं कि 1984 फर्स्ट है, 86 सेकेंड और थर्ड, तो इन तीनों में हमारा 100 से ज़्यादा है क्या, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, सब में ज़्यादा है, तो कोई कट नहीं होगा। अब आप देखिए 1988 पर, ओके, जो 1988 है सिर्फ एक यही वो डाटा है जो हमारा 1985 के डाटा से कम है, ठीक है ना, कम है। मतलब क्या होगा, इसका जो डाटा होगा वो 100 के आसपास होगा, 100 नहीं हो सकता, 100 कब हो रहा है, जब हमारा डाटा 67 है, ओके। पर अब हमारा इसमें डाटा 65 है,
अब आप ये भी देखिए कि 65 और 67 में कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, सिर्फ 2 यूनिट्स का डिफरेंस है ना, ठीक है। तब जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारा जो परसेंटेज का कम होगा, मतलब 100 से जो कम होगा वो भी तो थोड़ा यूनिट्स का ही कम होगा ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स का डिक्रीज हो जाएगी, नहीं होगा ना, बहुत कम यूनिट्स का डिफरेंस होगा। ओके, जैसे कि हमें कैलकुलेट किसको करना है, यहाँ पर 65/67 को करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं 67 भी कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा 100 आ रहा है। अब मैं उससे कम है 65, तो 100% से थोड़ा सा कम आएगी कुछ, ठीक है। अब आप देखिए कि 88 में जहाँ पे 100 दिया हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 100% कब है, जब हमारा डाटा 67 है। ओके, अब आप इस 65, ये वाला तो हमारा पहले ही कट हो गया था, ये वाला क्यों कट होगा, क्योंकि मैंने बोला 65 और 67 में हमारा सिर्फ 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो जब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 100 से भी कुछ यूनिट्स का ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 से डायरेक्ट 67 और 68 जो भी इसमें गिवन है 68 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 97 आ रहा है, ये 100 से बहुत क्लोज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप सारे डाटा को, जैसे 84 का अगर आपको निकालना है, और हमें बेस किसका लेना है, मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें वाई फिक्स है हमारा, एक्स चेंज हो रहा है बस, ठीक है। एक्स एक बार हम 84 ले रहे हैं तो ये होगा 1984 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1985। तो क्या करना है, ऐसे अगर आपको इस फॉर्मूले से ही करना है तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे, कितनी बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, 5 बार कैलकुलेट करेंगे तो आप काफ़ी टाइम लेंगे ना। और अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करेंगे इस क्वेश्चन को और डाटा को देखकर करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम लेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि 1985 का निकाल लो आप, ठीक है। 1985 का अगर हम बेस ले रहे हैं 1985, तो ये तो 100% है कि हो ही जाएगा, जब हमें कंपेयर भी 1985 से करना है और लेना भी 1985 है। ओके, तो हमारा कितना परसेंट आया था, 100% आया था। फिर हमने देखा क्या कि 1984, 1986 और 1987 का जो डाटा है वो हमारा 1985 से ज़्यादा है, तो जो उनका परसेंटेज आएगा वो 100 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। सिर्फ एक 1988 है जो हमारा 1985 के डाटा से कम है, तो सिर्फ एक 1988 वाला जो होगा उसका परसेंटेज हमारा 100 से कम आएगा। अब आपको वो भी कैलकुलेट नहीं करना है, अब आप देखिए डिफरेंस कि 67 और 65 में कितना ही डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का ही डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज को देखने लगे, परसेंटेज हमारा कितना वेरी करेगा, तो परसेंटेज इतना तो वेरी नहीं करेगा ना, कि 100% अगर 67 के लिए आ रही है तो 65 के लिए 68 और 69 आ जाएगी, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ था कि 65, 68 दिया हुआ था, इतना तो वेरी नहीं करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमने 97 वाला ऑप्शन चूज किया, क्योंकि वो 100 के बहुत क्लोज है। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आप इस वाले कि हमारा 1988 जो है, 1988 वाला डाटा वो हमारा 1985 के डाटा से कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को देखकर भी कट कर सकते हैं। आपको और कोई डाटा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, और कोई डाटा कैलकुलेट भी नहीं करना है आपको, 84 का, 86, 87 का, किसी का डाटा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, सिर्फ आप 88 को देखिए, 88 का कैसे कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस को चूज कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। अगर आपको ट्राई करना है कि ये आंसर सही है नहीं है, आपके पास टाइम है, तो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, एक्स बाई वाई इंटू 100। वाई यहाँ पर फिक्स है, कितना है, 1985 वाला डाटा, बस आपको चेंज क्या करना है, एक्स वाला डाटा चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं 1984 वाला डाटा देखते हैं, वो हमारा कितना दिया हुआ है, 100.5 अपॉन वाई वाला डाटा, वो कितना है, 67 into 100, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 150
पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, और हमारा 150 ही दिया हुआ है। पर देखो आप अगर फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों में 150 दिया हुआ है, ठीक है, तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। 85 का 100 दिया है तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, मतलब आपको 86 तक कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और देखो कि कितना कम कम वेरी दिया हुआ है इन लोगों ने। तो इन सब से आप अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं ना तो भी आपको लास्ट तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर अगर आप इस मेथड से देखते हैं कि 88 का डाटा हमारा 1985 के डाटा से कम है और वैसे सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है फर्स्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आप सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए, बताइए आपको समझ आया या नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको डाटा लिखिए, ठीक है, पहले आप एक इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको लिखिए एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं डाटा एनालिसिस के वो ऑप्शंस के थ्रू हो जाते हैं। ओके, आप ऑप्शंस को लेकर जाइए क्वेश्चन में, देखिए और आप इजीली ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। ये CSIR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेरी गुड करिश्मा, आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि हमें जनरल एप्टीट्यूड में सिर्फ जो भी आपको जनरल एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करा सकता है वो सिर्फ प्रैक्टिस है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज गिवन बाय द फॉलोइंग चार्ट। ओके, ये चार्ट गिवन है। इफ 3.30 मार्क्स इज द पासिंग स्कोर इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉल्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अबव द पास मार्क्स। पहले हम एक डाटा लिख लेते हैं कि ये कितने कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए। जैसे 1 है, 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया, 10 ने। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया, 10 ने। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया, 80 ने। 4 मार्क्स 30, 5 मार्क्स अगेन 30, 6 मार्क्स 30, 7 30, 8, 30, 9, 30 और 10, 0, ठीक है। अब आप डाटा को समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने ये जो ये है ये हमारा मार्क्स है, और जो ये दिया हुआ है ये स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि जो 1 मार्क्स है, 1 मार्क है वो कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया है, 10 स्टूडेंट्स ने। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया, अगेन 10 स्टूडेंट्स ने। 3 देखिए, 3 हमारा 80 स्टूडेंट्स ने गेन किया है। अब इन्होंने बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अबव द पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं, 3.30 है। ओके, तो आपको क्या करना है, 3 के बाद का कैलकुलेट करना है और 3 से पहला कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। पर आप देखें कि ये सारा जो वैल्यूज है वो इंटीजर्स है, कोई भी पॉइंट में वैल्यूज ही नहीं है। तो आप यहाँ पे कहीं आएगा ना हमारा 3.30, ठीक है। तो आप इसके बाद वाला कैलकुलेट कीजिए और इसके बाद वाला कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर ये वाला ज़्यादा हुआ तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 30 है ओके। ये कितना बन रहा है हमारा 100, ये कितना बन रहा है 180। तो 180 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने पासिंग मार्क्स से ज्यादा गेन किया है, और क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अबव द पास मार्क्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी 180 स्टूडेंट्स ज्यादा है ना 100 से, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3। मॉड क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी डाटा दे दिया हम लोगों को 1, 2, 3, 3, 3, 5, 7, तो इस डाटा का मॉड कितना होगा, 3 होगा ना। मॉड वो होता है कि डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली टर्म। इस डाटा में देखिए आप कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा डिजिट आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है ना, क्योंकि 380 स्टूडेंट्स की आई है। मतलब जैसे 1 है, 1 मार्क्स हमारा 10 स्टूडेंट का आया, 2 मार्क्स आपका 10 स्टूडेंट्स का आया, और 3 मार्क्स आपका 80 स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो आपके जो 3 टर्म दिखेगी वो 80 टाइम्स दिखेगी, और जो टर्म्स है जैसे 4 है वो सिर्फ 30 टाइम्स दिखेगी, 5 भी 30 टाइम्स दिखेगा, 6 भी 30 टाइम्स दिखेगी, पर जो 3 टर्म है वो 80 टाइम्स दिखेगी। तो हमारा मॉड भी 3 है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स इज अबव 55% ओके। अब इन्होंने हमारा पासिंग स्टूडेंट्स कौन से वाले हैं जिनके मार्क्स 4 से 10 के बीच में आ रहे हैं ओके, तो इनका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए, एवरेज कैसे निकालेंगे, 4 into 30 plus 5 into 30 plus 6 into 30 plus 7 into 30 plus 8 into 30 plus 9 into 30, और 10 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 0 है ना, तो 10 into 0 किया तो 0 आया, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं पासिंग मार्क्स वाले 180, तो अपॉन में क्या कर दिया हमने 180 कर दिया ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें 30 सब में कॉमन है, तो हम 30 कॉमन ले लेंगे, 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 upon 180 ओके। ये कितना होगा 10, 15 6 प्लस 4 10 हुआ, 7 प्लस 5 12 हुआ, 20 और 9, तो कितना हुआ 39 अपॉन 180। तो आपका जो यहां से एवरेज आया है वो 6.5 मार्क्स आया है ठीक है। अब इन्होंने जो हमें यहाँ पे गिवन है वो क्या गिवन है, 55% परसेंटेज दी हुई है, तो आपको परसेंटेज तो निकालनी आती है कि 6.5 मार्क्स है हमारे आउट ऑफ 10, तो इसकी कितनी परसेंटेज होगी, कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे जितने भी मार्क्स आए हैं 6.5 मार्क्स आए, कितने में से आए, 10 में से आए, इंटू 100 तो ये कितना हुआ 65% है ये हमारा ओके। तो एवरेज मार्क्स ऑफ पासिंग मार्क्स इज अबव बोला है ना उन्होंने, एग्जैक्ट तो नहीं दिया 55%, तो 55% तो हमारा 65% से तो कम है ना ठीक है, तो इन्होंने अबव भी तो बोला है 55%, और 65% हमारा ग्रेटर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, अब आपको क्या करना था, फॉल्स को चूज करना था। आपने फर्स्ट चेक किया वो भी करेक्ट है, सेकंड चेक किया वो भी करेक्ट है, थर्ड चेक किया वो भी करेक्ट है, तो हमारा फोर्थ ही आंसर होगा। जो क्वेश्चन होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के वो सिंगल करेक्ट होते हैं, तो आपको फोर्थ के लिए टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अगर आप तीन को चेक कर चुके हैं और वो आपका आंसर नहीं है तो फोर्थ हमारा आंसर ही होगा। ओके, तो फोर्थ में आप देख लीजिए कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। इसमें भी एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन इज बिलो 20%, तो आपको बिलो वाले चेक करने हैं, जो पासिंग मार्क्स, जो फेल स्टूडेंट्स हैं। फेल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, जिनके मार्क्स हमारे 3.30 से कम हैं। तो हम कौन कौन से मार्क्स को लेंगे, 3 को लेंगे, 2 को लेंगे और 1 को लेंगे। ठीक है, तो आप इनका एवरेज निकाल लीजिए। तो वो हमारा बिलो 20% दिया हुआ है, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो अबव 20% आएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, इसमें भी आपको एवरेज ही फाइंड करना था। ओके, वेरी गुड एकता, बायोलॉजी लवर भावना, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टोटली आपका कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको फिगर देखनी है और ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर है सीएसआई नेट का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हमें इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं, मैं इसको ऑप्शन से करती हूँ। द हाइएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस्ड 75, जो हमारा यहाँ पर हाइएस्ट प्राइस है उसने बोला कि वो 75 कभी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये हाइएस्ट प्राइस का ये वाला डाटा है, ये वाला हमारा अप्रैल का है, ये मई का है और ये जून का है। तो इन्होंने कोई मंथ तो मेंशन नहीं किया है, इन्होंने बस ये बोला है कि जो हायर प्राइस है वो कभी 75 से क्रॉस नहीं कर रहा है। अब आप देखिए ये वाला डाटा, देखिए अप्रैल वाला, ये कितना होगा हमारा 75। आप ये वाला मई वाला देखिए, ये कितना होगा 85 यहां पर है। ठीक है, ये 85 नहीं है, 75 by 80 + 80 by 2 कीजिए तो ये वाला डाटा आ जाता है आपका। ठीक है, ये वाला हमारा 75 से तो ज्यादा है ना, आपको दिख रहा है। ये वाला कितना होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि द हाइएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस्ड 75, पर जो हमारा मई है और जून है हाइएस्ट प्राइस में, वो तो 75 से ज्यादा है दोनों। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, और पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस वॉज फॉर द मंथ ऑफ जून। हमें किसका देखना है, हाइएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस का। हाइएस्ट ये है, हाइएस्ट ये है और लोएस्ट ये है। इसमें कौन से मंथ का, जून मंथ का। जून कौन से वाला है, ये ब्लैंक वाला है, ये वाला ब्लैंक वाला। ओके, इन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट डिफरेंस जो है वो मंथ ऑफ जून ही है। ठीक है, अब देखिए आप जो ये वाला डाटा है यहाँ पर, ये थोड़ा ही डिफरेंस लग रहा है। आप फिगर से देखिए, आप माइनस मत देखिए। ठीक है, ये वाला देखिए आप डाटा, अगर ये 75 है तो ये हमारा यहाँ से 72.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 73 कंसिडर कर लेती हूँ अगर मैं इसको। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 2 आया। ओके, अब आप ये वाला देखिए, ये हमारा 77.5 था, ये भी इतना ही लग रहा है, तो इसका तो डिफरेंस हमारा 0 ही आया। ठीक है, अब आप ये वाला देखिए कि ये वाला डाटा जो है जून वाला हमारा, ये हमारा 77.5 है और ये आपका कितना है, ये आपका ये 75 है, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 72.5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है आपका ये वाला पॉइंट, तो ये 74 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस 1 आएगा। ओके, अब आप ये वाला देखिए कि यहाँ पे कितना है 77.5 और यहाँ पर कितना हो रहा है, ये
75 से थोड़ा सा ज़्यादा, 76। तो 77.5 माइनस 76 करेंगे आप, तो आपका 1.5 डिफरेंस आ रहा है। और आप ये नॉर्मली इस ग्राफ को देखें ना, देखो यहाँ से थोड़ा सा ही दिख रहा है चेंज होता हुआ, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। और इसमें देखिए यहाँ पे था और ये दूसरा डाटा यहाँ पर है, यहाँ पे देखें यहाँ पर ये है। तो आप इस पर भी देखें ना कि ये तो हमारा कितना छोटा सा डिफरेंस है और ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है, और इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, मंथ ऑफ जून शोड द लार्जेस्ट डिक्रीज ऑफ प्राइस बिटवीन द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट प्राइस। जो हमें मंथ ऑफ जून बोला है, ओके, मंथ ऑफ जून में शोड द लार्जेस्ट डिक्रीज ऑफ प्राइस बिटवीन द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। ओके, ओपनिंग डेट ये है और क्लोजिंग डेट ये है। इन्होंने बोला कि जून के मंथ में सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो आप, यहाँ पे हमारा इतना था, इसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे मई में हमारा यहाँ पे था, देन इंक्रीज हुआ, पर जून में हमारा यहाँ पर कोई भी डाटा मान लो आप, ये 77.5 है तो ये हमारा 78 होगा, और ये कितना डिक्रीज हो गया है, 75 हो गया है। जो हमारा अप्रैल और मई था उसमें हमारा इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, पर यहाँ से तो ये डिक्रीज हो गया, 78 से 75 हो गया, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन है, ऑल डिपिक्टेड प्राइसेस लाई बिटवीन 70 एंड 80। उन्होंने बोला है कि जो सारे प्राइसेस है वो हमारे 70 और 80 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यहीं पर तो लाई कर रहे हैं। देखिए 70 से नीचे कोई प्राइस नहीं जा रहा है, 80 से ऊपर कोई प्राइस नहीं जा रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करने लगे, पर आपको जैसे फर्स्ट ही इनकरेक्ट मिल गया था तो आप इसको टिक करिए और बाकी ऑप्शन चेक मत करिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ओके, द लाइन ग्राफ डिस्प्ले डाटा इन टू डायमेंशंस, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। द डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई वेरिएबल इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड द इंडिपेंडेंट और एक्स वेरिएबल इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये वाई एक्सिस। द राइज एंड फॉल्स इज इन द लाइन शोज हाउ वन वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय अदर्स। ठीक है, ये जो भी डाटा होगा हमारा ऐसे ग्राफ में गिवन होगा, और जैसे कुछ भी आपको लाइन ऐसे लाइंस दी हुई हैं, वो आपने कनेक्ट करके कोई डाटा बनाया, तो जो लाइन है वही शो कर रहा होगा कि डाटा डिक्रीज हो रहा है, डाटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइन ग्राफ हुआ। इसका क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है मार्क्स ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट्स S1 and S2 in a 4-semester course are plotted in the following graph. Which of the following statements is true? Okay, तो इन्होंने ये हमारे जो S2 और S1 है, ये 2 students हैं, ये हमारा semester दिया हुआ है, ये हमारे marks दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक पहले table बना लेते हैं, S1 और S2 की table बनाते हैं। ठीक है, S1 देखिए यहाँ पर कितना है, 50 फर्स्ट सेमेस्टर में, और S2 कितना है, 70 सेकेंड सेमेस्टर में। देखिए S1 कितना है, 60, S2 भी कितना है, 60। थर्ड में देखिए, थर्ड में हमारा S1 ने इंक्रीमेंट किया, कितना हुआ, 80, और हमारा S2 डिक्रीज हुआ, 70। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में हमारा S1 कितना है, 70, और S2 कितना है, 80। ओके, अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमने सारा डाटा लिख लिया,
अब हम ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है एस टू गॉट हायर मार्क्स देन एस वन इन ऑल फोर सेमेस्टर्स, कि जो एस टू है वो हमारा हमेशा एस वन से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है सभी सेमेस्टर में. अब आप देखिए ये वाला सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में देखिए, और सेमेस्टर में है कि इसमें भी हमारा एस टू ज़्यादा ला रहा है एस वन से, इसमें भी, इसमें तो इक्वल ही है, और इसमें भी हमारा एस टू ज़्यादा ला रहा है, पर थर्ड ऑप्शन की वजह से, थर्ड सेमेस्टर की वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में एस टू 70 ला रहा है पर एस वन हमारा 80 मार्क्स ला रहा है. ठीक है, तो ये हमारा कट हो जाएगा. ओके, अब सेकेंड देखते हैं. ओवर फोर सेमेस्टर्स एस वन इम्प्रूव्ड बाई अ हायर परसेंटेज कंपेयर टू एस टू. ओके, इसमें हम एवरेज निकाल लेते हैं. पहले इसका टोटल करते हैं, कितना आएगा हमारा टोटल करके, 15 and 20, 26, 0, 15, 21 and 28. ठीक है, इसको हम, कितना हमारा डाटा है 4 है, तो ये कितना आएगा 65 और ये 7. ओके, अब आप देखो कि हमारा जो S1 है, S1 का हमारा 50 आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, पर उसने इतना अच्छा सेकेंड थर्ड और फोर्थ में इंक्रीमेंट किया कि जो उसका एवरेज आया है, एवरेज परसेंटेज आया है, वो 65% आया है. तो मतलब क्या हुआ, उसने 50% से हमारा इंक्रीमेंट कर लिया, कितना, कहाँ तक, 65% तक. ठीक है, पर S2 को देखिए आप, S2 का हमारा फर्स्ट में 70 आया था और उसके मार्क्स ऐसे आए कि उसका एवरेज भी हमारा 70 ही आया. तो क्या हुआ, उसने मेंटेन करके रखा अपना 70%. ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओवर फोर सेमेस्टर्स एस वन इम्प्रूव्ड बाय अ हायर परसेंटेज. हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीरो चेंज है, 70 था और 70% ही उसका लास्ट तक रहा, पर यहाँ पर उसका 50 से 65 चेंज हुआ है, 15% चेंज हुआ है, तो एस वन ने हमारा ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, तो हमारा सेकेंड करेक्ट है. ठीक है, इन्होंने ट्रू ही पूछा है. ठीक है, अगर आप और भी देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम. टोटल मार्क्स ऑफ एस वन एंड एस टू आर इक्वल. अब एस वन और एस टू में देखो, एस वन के हमारे टोटल मार्क्स 260 आ रहे हैं, एस टू के टोटल मार्क्स 280 आ रहे हैं, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी कट हो जाएगा. ओके, एस वन एंड एस टू डिड नॉट गेट द सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर. ओके, अब देखिए कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में दोनों के सेम मार्क्स भी आ रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा. अगर आप ये सॉल्व भी नहीं करते हैं और ये दो तीनों को कट कर देते हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर सेकेंड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सुनीता, आप एक बार क्वेश्चन देखना आपने क्या मिस्टेक किया था. एग्जाम्पल 5 देखते हैं कि ये क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है. जल्दी से आप भी एक बार क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए और सॉल्व करिए, और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए. ठीक है, हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ्स डिपिक्ट वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ डॉलर एंड यूरो इन टर्म्स ऑफ रुपी ओवर 6 months. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है यूरो का है, ये हमारा डॉलर का है. ओके, अब हमें ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन पे पहुंचना है. ओके, अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रू पूछना है. ये हमें ज़रूर देखना है कि ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है. अब देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन, वैल्यूज ऑफ डॉलर एंड यूरो रोज स्टेडिली फ्रॉम जनवरी टू जून. ठीक है, वो बोल रहा है कि डॉलर और यूरो के जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब जो वैल्यूज है, वो हम इंक्रीज हो रही है पूरा जनवरी से जून तक. अब हमें भी पता है कि हमारा जब ग्राफ इंक्रीज होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे कोई ब्रेक को नहीं आना चाहिए बीच में, तभी वो बोल सकते हैं हम कि जनवरी से जून वो डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है. पर यहाँ देखिए, यहाँ पे वो इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ,
देन इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। सिमिलरली इन डॉलर, पहले वो इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम, वैल्यूज ऑफ डॉलर एंड यूरो रोज बाय इक्वल रेट बिटवीन जनवरी टू मार्च। जनवरी में देखो आप, पहले हम यूरो के लिखते हैं। जनवरी में कितना है हमारा, 75 है। मार्च में कितना है, 77 है। तो कितना चेंज हुआ, 2 यूनिट्स का चेंज हुआ, ठीक है ना। 77 माइनस 75, तो 2 का चेंज हुआ। डॉलर में देखते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, 55.5। ओके, अब आपका मार्च में देखे कितना है, 57, ठीक है। तो आप पहले 57 लिखिए, 57 माइनस 55.5, तो कितना हुआ, 1.5। तो ये चेंज इक्वल थोड़ी है हमारा। यहाँ पे क्या बोला है था कि दोनों का जो वेरिएशन है, दोनों का जो चेंज हो रहा है वो इक्वल है, पर यहाँ पर हमारा 2 यूनिट्स चेंज हो रहा है और यहाँ पर 1.5 यूनिट्स चेंज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, द राइज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर फ्रॉम अप्रैल टू मे। ओके, अप्रैल टू मे ये वाला है, ठीक है। पहले हम यूरो का लिखते हैं, इसमें हमारा चेंज देखिए आप, अप्रैल टू मे में पहले कितना है, 78 माइनस ये कितना होगा, 77.5। ओके, अब इसमें देखिए सेम, हमें अप्रैल से मे पे जाना है, अप्रैल से मे। डॉलर का देखते हैं, डॉलर का यहाँ पर कितना है हमारा, ये 56 है, तो 56.5 माइनस, और ये वाला कितना है, 58, तो ये कितना हुआ, 1.5, ये कितना हुआ, 0.5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो डॉलर की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू क्या है हमारी, 1.5 इज इक्वल्स टू इज 5 टाइम्स द फॉल इन यूरो ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब हमें जो यूरो का चेंज है वो थ्राइस है डॉलर से, तो मतलब 3 × 0.5 क्या हमारा वो 1.5 होगा, यस। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। वैल्यूज ऑफ डॉलर एंड यूरो रोज इक्वली बिटवीन मे एंड जून, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, डॉलर ये है, यूरो ये है, देखना है कि मई और जून में इक्वल रोज हो रहा है क्या, इक्वल राइज हो रहा है क्या। अब देखिए यहां पर कितना है, 77.5, यहां पर देखिए कितना है, 78.5, तो कितना चेंज हो रहा है, 1 यूनिट का। यहां पर देखिए, यहां पर कितना है ये, 58, और यहां पर 58.5, तो कितना चेंज हो रहा है, 0.5 यूनिट्स का। ओके, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल तब होता अगर ये भी हमारा 59 होता, ठीक है ना, तभी तो एक यूनिट होता ना यहाँ पर भी चेंज, और यहाँ पर भी एक यूनिट चेंज होता, तब हम बोलते कि जो वैल्यूज ऑफ डॉलर है और यूरो है वो हमारा जो राइज हो रहा है वो इक्वल पोर्शन से हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा। ओके, तो इसका आंसर थर्ड होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ फिगर को केयरफुली देखना था, इसका डाटा लिखना था केयरफुली, और ऑप्शन को देखना था। ओके, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है वैल्यूज ऑफ डॉलर एंड यूरो रोज बाय इक्वल रेट बिटवीन जनवरी टू मार्च। आप देखो जनवरी में कितना है यहाँ पर डाटा, यहाँ पर 75.5, 75 मान लीजिए आप, 75 है, यहाँ पर कितना है,
77, तो कितना चेंज हो रहा है, 2 units का हो रहा है ना। पर अगर मैं यही चीज डॉलर में देखती हूँ तो यहाँ पे मेरा 55.5 है और यहाँ पर मेरा 57 है, तो चेंज कितने का हो रहा है, 1.5 का हो रहा है। तो अगर मेरा ये डाटा इक्वल नहीं है तो ये इक्वल पोर्शन से चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हमारा थर्ड करेक्ट है। ओके, ओके, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आप एक बार देखना, अगर डाटा आपको क्लियर नहीं है तो भी बताना कि डाटा क्लियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेनली आपको बस डाटा देखना है। ओके, तो एग्जाम्पल 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी यही है कि बस आपको डाटा देखना है। ओके, डाटा केयरफुली रीड कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें भी हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ओके, इसमें बोला है बेस्ड ऑन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। यहाँ पे देखो नॉट ट्रू है, तो क्या हुआ, फॉल्स ऑप्शन बताना है हमें। ओके, तो आप देखो जैसे इस पे क्वेश्चन ऑप्शन 1 में क्या बोला है, नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इंक्रीज्ड व्हेनेवर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इंक्रीज्ड, कि जब भी हमारे गोल्ड मेडल्स इंक्रीज हो रहे हैं तभी हमारे टोटल मेडल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप देखो जो हमारा, पहले तो हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारे मेडल्स दिए हुए हैं, जो ये ब्लैक वाला है ये टोटल मेडल्स है। ओके, और जो ये डॉट वाली है ये हमारा गोल्ड मेडल्स है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इंक्रीज व्हेनेवर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इंक्रीज, कि अगर हमारा टोटल मेडल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे आप ये देखिए अगर टोटल मेडल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो गोल्ड मेडल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए अगर मेरा ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये तो सिर्फ ग्राफ से ही हुआ ना, कि ग्राफ देखो आप, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज इंक्रीज इन गोल्ड मेडल्स इन 2010 ओवर 2006 इज मोर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन टोटल मेडल्स। ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को x इज मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ y वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, जिसमें हमारा ऐसे था x माइनस y अपॉन y इंटू 100, इसमें हमारा इंक्रीमेंट पता चल जाता है ना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, या फिर आप देखिए 2010 और 2006 के डाटा को लिखिए, हमें कौन सा गोल्ड मेडल लिखना है। ठीक है, गोल्ड मेडल कौन सा है, नीचे वाला। ठीक है, तो हम लिखते हैं 18 से 38। ओके, इंक्रीज इन टोटल मेडल्स ऑफ 2006। ठीक है, इनके ये वाले हमारे गोल्ड मेडल्स हैं और टोटल मेडल्स कितना है, 58 से कितना चेंज हुआ, 101 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप ये मत देखना कि इनका डिफरेंस कम है और इसका डिफरेंस ज़्यादा है तो ये वाला इंक्रीमेंट करेगा ज़्यादा, नहीं। ठीक है, जैसे हमारा अगर कोई भी, जैसे गीता है, अगर उसके पास 10 रुपीज है पर वो आफ्टर प्रॉफिट 20 रुपये बना रही है उनको, तो ये सीता का है। और अब गीता का क्या है कि उसके पास 20 रुपीज है पर वो आफ्टर प्रॉफिट कितना बना रही है, 39 बना रही है। तो आप बोलेंगे कि गीता हमारा ज़्यादा अच्छे से बिजनेस जानती है, पर नहीं ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर देखो आप, जो हमारा जिसके पास 10 रुपीज था उसने प्रॉफिट कितने का किया, पूरा डबल का प्रॉफिट किया, उसके पास 10 रुपीज थे उसने उसको 20 बना दिया। पर जो हमारा दूसरा इंसान है उसके पास 20 रुपीज थे वो उसका डबल भी नहीं बना पाया, वो उसका सिर्फ 39 बना पाया। ठीक है, 100% से कुछ कम। ठीक है ना, तो सेम आप देखिए यहाँ पर, ये 18 है हमारा, 18 का डबल कितना होता है, 36, तो ये तो हमारा डबल से भी ज़्यादा हुआ। और ये देखिए ये 58 है, तो 58 का डबल थोड़ी होगा ये। ठीक है ना, तो ये तो हमारा पूरा 100% से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा आया कुछ परसेंटेज। और जो ये है ये 100 से कम परसेंटेज आई है।
ठीक है, इसमें आप कैलकुलेट मत कीजिए, आप देखिए कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। जैसे 10 रुपीज से आपको 20 बनाया और 20 से 39 बनाया, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, कि जो 10 वाला इंसान है वो पूरा डबल प्रॉफिट कर रहा है, पर जो 20 वाला इंसान है उसने इन्वेस्ट भी तो 20 किया था ना, और उसका डबल भी नहीं हो पाया, तो उसका परसेंटेज 100 से कम आएगा। ओके, तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पर 18 से 38 बना, मतलब डबल से भी ज्यादा बन गया, तो परसेंटेज 100 से ज्यादा होगा, यहाँ पे 100 से कम होगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये वाला 2010 हमारा किसका, गोल्ड मेडल्स का 100% से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसमें जो हमारा टोटल मेडल्स है उसका जो परसेंटेज है वो 100 से कम है, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आप थर्ड ऑप्शन को मत देखो, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा ऐसे ही होगा जैसे हमने सेकेंड ऑप्शन किया है, परसेंटेज इंक्रीज इन गोल्ड मेडल्स इन 2010 ओवर 2006, ठीक है, क्या है 18 से 38 इज मोर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन 2002 से 1998, ये वाला देखिए 7 से 22, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रही थी कि डबल वाली चीज, यहाँ पे ये भी डबल कर रहा है और ये भी डबल कर रहा है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि दोनों के परसेंट हमारी 100 से ही ज्यादा आएगी, पर अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा, अब हमें ट्रिपल का देखना पड़ेगा। अब देखो 18 का ट्रिपल हमारा 54 होता है ना, ठीक है, और 7 का ट्रिपल 21 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा 200% से भी ज्यादा हो रहा है, पर इसका जो प्रॉफिट है 100 से श्योरिटी है कि ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये पूरा डबल कर रहा है, पर ट्रिपल से तो कम है ना, तो क्या होगा 100 से ज्यादा होगा बट 200 से कम होगा, ठीक है, तो आप किसका ज्यादा परसेंटेज आ रहा है, 7 से 22 वाले का आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट जो हमें दिया हुआ था उसका मोर देन बोला हुआ है इन्होंने, उसका मोर बोला हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन 2002 ओवर 1998, तो हमें ऑप्शन रॉन्ग मिल गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, थर्ड देखो आप, नॉन गोल्ड मेडल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल मेडल्स माइनस गोल्ड मेडल्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, तो बस आपको क्या करना है, जो इसमें पूछा हुआ है वो चेक कर लीजिए कि एवरी टाइम नॉन गोल्ड मेडल्स टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेडल्स, ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिल गया है, वो तो हमें एक बार नॉर्मली हम चेक कर रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है या नहीं है। ओके, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन मैंने इसके थ्रू बताया आपको, क्योंकि आपको कैलकुलेशन अवॉइड कैसे करनी है हम ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस लेक्चर के बाद आपका कॉन्टेस्ट शो होगा, तो आप कॉन्टेस्ट देना, आज के लेक्चर पे बेसिस ही वो कॉन्टेस्ट होगा, आप IFS ऑनलाइन पर जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करते ही आपको प्ले विन एंड लर्न का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपका कॉन्टेस्ट 2 शो होगा। ओके, आप उस कॉन्टेस्ट को दीजिए, कल उसके विनर्स और हम कॉन्टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।